नमस्कार दोस्तों, नेपालियों पर आज तक बहुत ही कम साइंटिफिक रिसर्च हुई है, यानी कि शोध हुए हैं। और इसी दिशा में नेपालियों पर हाल ही में एक रिसर्च हुई है, और ये रिसर्च हुई है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, जो कि 999 नेपालियों के ऊपर की गई है। इसमें नेपाल के बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड किया गया था, जिसमें थारू, मगर, शेरपा, ब्राह्मण, तमांग, साथ ही साथ ईस्टर्न नेपाल के काफी लोग और काठमांडू से भी काफी लोग। लेकिन आखिरकार ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस हो ही क्यों रही है? और ये नेपाल के ऑलमोस्ट सारी ही कम्युनिटीज के डीएनए एनालिसिस के रिजल्ट तो काफी ज्यादा शॉक निकल के आए, और ये आप सबको भी जानना जरूरी है, क्योंकि नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार किया गया कि इतने बड़े डेटा की एनालिसिस की गई है, और ये रिजल्ट कई हवा हवाई चीजों को प्रूव भी करते हैं नेपालियों के लिए। तो आपको बता दें, ये रिसर्च 3-4 यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर की गई है, जिसमें नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है और भारत की 3 यूनिवर्सिटी भी हैं, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, साथ ही CCMB और DST बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट, और इन्हीं लोगों ने मिलकर 999 नेपाली लोगों के ऊपर ये रिसर्च किए हैं। लेकिन आखिर कारण क्या था कि इस रिसर्च को किया गया? दोस्तों, एक डीएनए पूरी हिस्ट्री बता देता है एक आदमी की। इस डीएनए एनालिसिस से बहुत हद तक ये चीजें पता चलती हैं कि लोगों की और एक कम्युनिटी की बनावट कहाँ के लोगों के हिसाब से ज्यादा मिलती है, या फिर उसकी बनावट क्यों अलग है, यानी कि एक नेपाली कम्युनिटी के कोई भी मेंबर क्यों अलग है दूसरी कम्युनिटी के मेंबर से, या फिर नेपाल में रह रहे लोग किस तरह से अलग हैं और देशों में रह रहे लोगों से। तो कहीं ना कहीं इस डीएनए एनालिसिस से बहुत सारी हिस्ट्री और बहुत सारे पर्दे खुल जाते हैं। साथ साथ इन डीएनए एनालिसिस से बहुत सारी और भी चीजों का पता लगाया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए वाले लोग कैसे इम्यून होते हैं कुछ बीमारियों से, या फिर एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस वाले लोगों को कुछ तरह की बीमारी क्यों होती है। जैसे कि नेपाल के थारू कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा इम्यून होते हैं मलेरिया से, यानी कि उनका डीएनए सीक्वेंस कुछ ऐसा कोडेड है कि वो मलेरिया से उनको ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। वहीं उनको कई और बीमारियों से ज्यादा खतरा भी होता है, जिसके लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जो कि था मिस्ट्री ऑफ नेपाल थारू। और सबसे बड़ी बात कि आज हम जानते हैं कि हमारे दादा कहाँ रहते थे, या फिर उनके परदादा कहाँ रहते थे। और यही चीज़ें अगर आपसे पूछ ले कि हजारों साल पहले आपके दादा परदादा कहाँ रहते थे, तो आप शायद कभी जिंदगी में भी नहीं बता पाओ। लेकिन ये साइंस प्रूफ कर सकती है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस प्रूफ कर सकती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी कि हजारों साल पहले आपके पूर्वज कहाँ थे। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, जो कि हमारे साइंटिस्ट पूरी करते हैं, और यही एक कारण है कि आज एक पहली सबसे बड़ी रिसर्च हुई, जो कि नेपाल की बहुत सारी कम्युनिटी के ऊपर हुई, और वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस पे हुई, जिससे ये पता चलेगा कि इन लोगों की हिस्ट्री कहाँ से थी। तो इस इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप एक प्राउड नेपाली तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, नेपाल इज ग्रेट। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च पूरी तरीके से साबित करेगी थारू कम्युनिटी, मगर कम्युनिटी, नेवार, या फिर गुरुंग, शेरपास, इन सब में क्या डिफरेंस है, या फिर क्या सिमिलैरिटीज हैं। और इस स्टडी का जो मोटे तौर पर रिजल्ट निकल गया है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस रिजल्ट की बिग पिक्चर ये बोलती है कि नेपाल में जो रहने वाली बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, थारू, मगर और बहुत सारी जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उन सब में सिमिलैरिटीज नेपाल के लोअर या फिर नेपाल के ईस्टर्न रीजन से, ना कि नेपाल के अपर रीजन से है। यानी कि नेपाल की जो मोस्ट कम्युनिटीज़ है, वो ज़्यादातर ताल्लुक रखती हैं इंडियन साइड से, साथ ही साथ ईस्ट इंडियन साइड से, और उसके भी अक्रॉस कंट्री म्यांमार, साथ ही साथ और भी कंट्रीज से। नेपाल की कुछ ही कम्युनिटीज हैं जो कि ऊपर टिबेटियन और साथ ही साथ चाइनीज पार्ट से ताल्लुकात रखती हैं। और ये मोटी पिक्चर निकल के आई उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस के बाद। लेकिन हम बात करेंगे नेपाल की और जो कम्युनिटी, जैसे कि थारू, मगर, नेवार, ये सब ज़्यादा क्लोज रिलेशन किस जगह के लोगों के साथ रखती हैं। तो ये रिसर्च ऑलमोस्ट सारी ही कम्युनिटीज के ऊपर हुई जो कि नेपाल में रहती थी, और उनमें बहुत शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले। यानी कि जो आप जो वीडियो देख रहे हो, आज से 10,000 साल पहले आपके पूर्वज कहाँ के थे, और आपका डीएनए आपके बारे में क्या बोलता है। साथ ही नेपाल की कौन सी कम्युनिटी कहाँ के रीजन से ज्यादा ताल्लुकात रखती है, तो चलिए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट पर। साथ ही इस रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, जो कि PDF लिंक है। अगर आप पूरी 24 पेज की रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो, तो वहां से जाके इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने एनालाइज किया है करीबन 999 नेपालीज का सैंपल, जो कि कंपेयर किया गया है डेटा से 38,622 लोगों के mtDNA सीक्वेंसिंग से, जो कि दुनिया भर के थी। और इन चीजों में इन्होंने एनालाइज किया है कि डीएनए थे वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं लोअर एल्टीट्यूड में रहने वाले नेपाली लोगों से, स्पेशली इन्होंने नेवार और मगर को यहाँ पर, और बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाई एल्टीट्यूड शेरपास से। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि लोअर एल्टीट्यूड पे रहने वाले नेपाली, यानी कि LAN, ये ज्यादातर जो है ना निकले हैं ईस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री से। अब ये यूरेशियन क्या है, यूरेशियन आपको बता दें कि यूरेशियन प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यूरेशियन प्लेट वो थी प्लेट जो कि यहाँ पर नेपाल के ऊपर है,
और ये इंडिया के ऊपर वाली जो रीजन है ये आपको दिख रही है, पूरी यूरेशियन प्लेट थी। तो यहाँ से लेके ये नेपाल के ईस्टर्न साइड का इलाका ये सारा यूरेशियन प्लेट्स में आता है, और ये पूरा यहाँ से लेकर ये वाला भी इलाका जो साथ में है ये भी यूरेशियन प्लेट्स में ही आता है। और यहाँ पे एक टर्म लिखा है लो एल्टीट्यूड टिप्टो बर्मन्स, यानी कि ये म्यांमार के रीजन से है, यानी कि जो लोअर एल्टीट्यूड के ये लोग माइग्रेट हुए ईस्ट एशिया से या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भूटान या फिर तिब्बत से या फिर नॉर्दर्न म्यांमार से। तो इन चारों जगह से जो लोअर एल्टीट्यूड के रहने वाले लोग हैं वो बिलोंग करते हैं। और रिपोर्ट में यही बताया कि जो माइग्रेशन हुआ है सबसे ज़्यादा वो हुआ है ईस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री से, यानी कि नेपाल के ईस्टर्न साइड से। और रिपोर्ट में ये बोला गया है कि द शेरपाज हैं वो हैबिटेट हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन के नेपाल के, यानी कि वो हाई एल्टीट्यूड पे पहले से रहे। साथ साथ जो नेवार्स उनको कंसीडर किया गया ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ काठमांडू वैली, यानी कि जो काठमांडू वैली के जो ओरिजिनल पुराने एंसेस्टर हैं वो नेवार्स ही हैं। अब यहाँ पर जो मेन है रिजल्ट यहाँ पर दिखाया गया है, इससे पहले रिपोर्ट में ये बताया अमंग 376 नेवारी डीएनए, तो जो 50.8% इनके जो जीन्स है वो ZFDA जो कि एक तरह के पैटर्न होते हैं डीएनए में, तो वो ज़्यादातर ईस्टर्न यूरेशियन है। 35.9% इनमें पाया गया कि साउथ एशियन ओरिजिन के जीन्स या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर है, और 12.8% वेस्ट यूरेशियन का है। वेस्ट यूरेशियन यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत के साइड का, और साउथ एशियन मतलब कि जो इंडियन रीजन का डीएनए स्ट्रक्चर है थोड़ा उससे मैच खाता है। अब सिमिलरली मगर्स का देखें तो मगर्स में 54.1% एसोसिएट हैं ईस्टर्न यूरेशियन प्लेट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं DM9 और 6 तरह के जीन्स हैं जो कि ज़्यादातर स्ट्रक्चर में देखे गए हैं, और 5.4% साउथ एशियन और वेस्टर्न यूरेशियन के स्ट्रक्चर पाए गए हैं। तो अब बात करते हैं ब्राह्मण्स की, ब्राह्मण्स के 60.4% जो है ना उनका जो स्ट्रक्चर है वो साउथ एशियन से मिलता जुलता है, यानी कि ये ज़्यादातर इंडियन पार्ट से मिलते जुलते हैं। साथ ही 25% और 14% ईस्टर्न एशियन और वेस्टर्न यूरेशियन से मिलता जुलता है। फिर बात करते हैं शेरपास की, और शेरपास में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री पाई गई है जो कि 94.3% है। साथ ही साथ थारूज में भी 68.4% और तमांग में 65.9%। तो ये तीनों जो जनजाति है नेपाल की ये ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ रखती हैं आपस में भी, और ये बाकी सारी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनसे थोड़ा अलग भी हैं। और बताया जा रहा जो इमिग्रेशन हुआ वो ईस्ट एशिया से करीबन 8000 साल पहले हुआ नेपाली और मगर्स के में, और जो यहाँ पर लोअर एल्टीट्यूड नेपालीज हैं जो कि ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री रखते हैं वो ज़्यादातर तिब्बतो बर्मन रखते हैं, जो कि प्रॉब्ली साउथ ईस्टर्न तिब्बत से करीबन आई है, और ये करीबन आई थी 3.8 से 6000 ईयर पहले। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जो कि नेपाल की सारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा क्लियर करती है और प्रूफ देती है कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है और कितने हज़ार साल पहले उनके पूर्वज कहाँ से थे। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिलती रहे। धन्यवाद NI News।